अष्ट नियम के अपवाद, ठीक है ना। अष्ट नियम के अपवाद में हमने सबसे पहले पढ़ा था लिथियम क्लोराइड वाला, लिथियम क्लोराइड LiCl, ये पता है ना मैंने आपको Li परमाणु क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। यहां से आप जोड़ दो 2 8 10 और ये 7 17, हो गया ना। अब इसका अणु संरचना बनाइए, है ना, डॉट स्ट्रक्चर जो से लुईस ने बताई थी, है ना। तो ये क्लोरीन आ गया और यहां आ गया ये Li। अब Li के अंतिम कक्षक के लिए एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ऐसे आप निरूपित कर देता हूं, ये ऐसे, और क्लोरीन के अंतिम कोष के अंदर ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देखिए ये इसका अष्टक पूर्ण हो गया, लेकिन ये जो लिथियम क्लोराइड है इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही ये सहायक हो रहे। तो लिथियम और क्लोरीन के बीच में ये यहाँ पे एकल बंद का निर्माण होता है, यहाँ अष्टक नियम की पालना नहीं होती, अष्टक नियम की पालना नहीं होती। और दूसरा हमने पढ़ा था विषम परमाणु, विषम परमाणु, इसको मैं आपको समझाऊंगा नहीं, विषम परमाणु मैं आपके किताब में दे रखा है NO2, ये दे रखे हैं। इसमें है ना केवल इस ऑक्सीजन की अष्टक कौन होता है, अष्टक है इनका कौन होता है, ठीक है। या नाइट्रोजन है इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी लोन इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ विषम परमाणु के अंदर भी अष्टक नियम की पालना नहीं होती। अब देखिए इसके अलावा विस्तारित अष्टक नियम या प्रसारित अष्टक नियम, ये थोड़ा सा समझना है। प्रसारित अष्टक नियम, प्रसारित अष्टक नियम के अंदर प्रसारित लिख लीजिए या इसको विस्तारित अष्टक नियम, इसमें क्या हो जाती है, अष्टक नियम में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 से ज्यादा हो जाते हैं, 8 से ज्यादा हो जाते हैं एक तत्व तो। कैसे, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं PCl5 का, PCl5 PF5 कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब मैं आपकी किताब में ये दे रहे हैं PF5, तो मैं PF5 पे उधर लेता हूँ, फिर उसके बाद PCl5 को बताऊंगा। तो PF5 फॉस्फोरस परमाणु क्रमांक 15, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ ध्यान में काउंटिंग ध्यान में रखते हैं ना, 2 8 10, ठीक है। फिर एक क्या है इसमें 3s2 और 3p3, 5 भी है क्या, 3 है, 2 8 10 और 5 15, यानी इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, कितने इलेक्ट्रॉन है 5। क्लोरीन को हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन, इनको जोड़ लो आप, 2 8 10 और ये
सात सत्रह हो गया। अब इसका ड्रॉ करेंगे, इसको चित्र बनाएंगे, ये बॉस्फोरस हो गया। अब बॉस्फोरस के ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, इसमें तो क्लोरीन का योगदान है। अब क्लोरीन के हम इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे इस प्रकार, रोटेट के द्वारा, ठीक है, रोटेट के द्वारा कितने दर्शाए, दो दो चार दो पांच छह और ये हो गया आपके सात, इसी प्रकार यहां दर्शाए सात, फिर ये दो दो चार दो छह हो गया ना, और ये गया दो सात, ये दो दो चार दो छह और ये एक और बन गया सात। इसको मैं थोड़ा यहाँ से पास में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दो तीन चार पाँच छह सात। आप बहुत बहुत से दर्शा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ा इनको इसके पास में रखता हूँ ताकि अपने को ध्यान रहे, यहाँ आजकल कौन नहीं आजकल से ज्यादा हो रहे हैं। अब क्रॉस क्रॉस के रखने में तो मैं इसको क्रॉस की तरह निर्मित कर रहा हूं, ये इस प्रकार, ये क्रॉस क्रॉस के फाइव पॉइंट क्रॉस में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्लोरीन का अष्टक कोण, यहां पे देखिए इस क्लोरीन का अष्टक कोण, यहां पे देखिए इस क्लोरीन का अष्टक कोण, यहाँ पे इस क्लोरीन का अष्टक कोण और यहाँ पे इस क्लोरीन का अष्टक कोण, देख लो दो दो चार दो छह और दो आठ सात, तो इसके पास में ही है एक क्लोरीन से लिया है, आठ हो गया। अब फॉस्फोरस है ना, उसके पास में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दस है, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस आ गया ना, तो यहाँ पर अष्टक नियम का पालन नहीं हुआ है, अष्टक नियम में आठ चाहिए थे, इसमें इतने आगे दस, यानी अष्टक नियम वो प्रसारित हो गया, विस्तारित हो गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ अष्टक नियम का पालन नहीं होना है, ये अष्टक नियम के अपवाद हैं, ठीक है।